महान साहित्यकार और हिंदी साहित्य में छायावाद को प्रमुखता से स्थान दिलाने वाली स्वर्गीय महादेवी वर्मा एक यशस्वी रचनाकार होने के साथ साथ ऐसी प्रखर व्यक्तित्व की स्वामिनी भी थीं, जिन्होंने अपने भावमय सृजन और कर्मठ जीवन साधना से अपनी रचनाओं को जीवंत किया और अपने शब्दों को अपनी जीवन शैली से सार्थक भी किया। उनके शब्दों में कला के पारस का स्पर्श पा लेने वाले का कलाकार के अतिरिक्त कोई नाम नहीं, साधक के अतिरिक्त कोई वर्ग नहीं, सत्य के अतिरिक्त कोई पूंजी नहीं, भाव सौंदर्य के अतिरिक्त कोई व्यापार नहीं और कल्याण के अतिरिक्त कोई लाभ नहीं। ये अनमोल शब्द उनकी जीवन शैली को परिभाषित करने के लिए पर्याप्त हैं। सुप्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नामक जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा और माता का नाम हेमरानी देवी था। उनका विवाह डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा से अल्पायु में ही हो गया था। महादेवी वर्मा का छायावाद लेखन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। उन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। अज्ञात और असीम सत्ता से मानवीय स्पंदन की अनुभूति में जब करुणा और वेदना समाहित हो जाती है तो इस विधा को छायावाद कहते हैं। महादेवी वर्मा जी इस विधा की सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार थी। क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो ये देव अरे ये मेरे मिटने का अधिकार, रहने दो ये देव अरे ये मेरे मिटने का अधिकार, जब असीम से हो जाएगा मेरी लघु सीमा का मेल, जब असीम से हो जाएगा मेरी लघु सीमा का मेल, देखोगे तुम देव अमरता खेलेगी मिटने का खेल, खेलेगी मिटने का खेल। लेखन उनके लिए एक ईश्वर प्रदत्त गुण था। 7 वर्ष की बाल्यावस्था में ही उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी थी और 1925 में मैट्रिक की परीक्षा पास करते समय तक उनकी कविताओं ने देश के प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं में अपना स्थान बना लिया था। महाकवि निराला ने उन्हें सरस्वती की संज्ञा दी थी। उनके साहित्यिक क्षेत्र का विस्तार केवल पद्य तक सीमित नहीं था, उन्होंने कई अति प्रसिद्ध गद्य कृतियों की रचना भी की। उनकी प्रसिद्ध गद्य कृतियां जैसे अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियां, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, क्षणदा आदि साहित्य की अनमोल धरोहर हैं। इसी क्रम में उनकी पद्य रचनाओं में निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगी, दीपशिखा, सप्तपर्णा, हिमालय आदि अत्यंत उत्कर्ष साहित्य की श्रेणी में आते हैं। वीणा होगी मूक, बजाने वाला होगा अंतर्धान, वीणा होगी मूक, बजाने वाला होगा अंतर्धान, विस्मृति के चरणों पर आकर लौटेंगे 100-100 निर्वाण, विस्मृति के चरणों पर आकर लौटेंगे 100-100 निर्वाण। उनका जीवन केवल उत्कृष्ट साहित्य रचना तक ही सीमित नहीं था, उन्होंने समाज सुधार, महिला सशक्तिकरण, दलित और गरीबों के जीवन सुधार के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके जीवन पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जैसे महापुरुषों का गहरा प्रभाव था और उनके द्वारा किए जाने वाले सामाजिक कार्यों में इन्हीं की प्रेरणा थी। महादेवी वर्मा को अपने साहित्यिक योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। साहित्य और भाषा के विकास के साथ समाजोत्थान के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए महादेवी वर्मा जी को हमेशा याद किया जाएगा। मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा न कभी अपना होना, विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। महादेवी वर्मा जी ने 11 सितंबर 1987 को प्रयाग में इस संसार से विदा ली और सदा सदा के लिए साहित्य जगत में अमरता को प्राप्त किया। भारत समन्वय परिवार की ओर से महादेवी वर्मा जी को शत शत नमन।